Hi friends, welcome to our channel Sama Edu Info. दोस्तों जैसे कि आप सबको बताया हमने RTI के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने बताई गई थी और उसके बाद आशा रखता हूँ कि आप सभी के बच्चों का एडमिशन RTI के अंदर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका RTI एजुकेशन के अंदर सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुआ होगा। अब ये सेकंड राउंड के अंदर क्वालिफाई कैसे होंगे? तो जैसे ही आपके बच्चे RTE फर्स्ट राउंड के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो बच्चों का RTE फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो चुका है वो बच्चे अगर उस स्कूल में एडमिशन नहीं लेते तब ही बाकी की जितनी स्कूल हैं वहाँ उनको जाना है, जो आया वो स्कूल में नहीं जाना वो बच्चे को, तो वो बच्चा वो स्कूल नहीं लेगा। अब वैसे बच्चे जो ये स्कूल जो उनको RTE गवर्नमेंट के थ्रू दी गई है वो स्कूल अगर ये चूज़ नहीं करते तो होगा क्या कि उस जगह पर उस स्कूल में जगह खाली रहेगी। अब ऐसे जितने भी स्कूल हैं वो स्कूल है कि अपनी जगह भरने के लिए सेकंड राउंड का चांस दिया जाता है। अब सेकंड राउंड में क्या होगा कि सेकंड राउंड डिक्लेयर करने से पहले ये लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे कितनी स्कूलें हैं जिनमें इतनी इतनी जगह खाली है, फिर आपको आपको उस जगह पर डालकर आपकी कैटेगरी के हिसाब से उस स्कूल को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर फिर भी आपका उसके अंदर नंबर नहीं लगता, इसका मतलब कि आपसे पहले कई लोग और हैं जो इस राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, तो हो सकता है कि अगर और भी बाद में भी सीट बचे तो तीसरा राउंड आए, और अगर नई सीट बचती तो तीसरा राउंड नहीं आएगा। तो सेकंड राउंड के लिए क्राइटेरिया तो ये है कि जितनी भी जगह बची हुई है स्कूलों के अंदर वो सारी की सारी जगह पहले गवर्नमेंट फाइनली करके उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, उस लिस्ट को लेकर दूसरा राउंड भेजेगा, और दूसरे राउंड में फिर आपको चेकआउट करना रहेगा आपका एप्लीकेशन नंबर और बर्थ डेट डालकर कि आपके बच्चे को स्कूल मिली है या नहीं मिली। और उस स्कूल के लिए भी आपको उसी तरह SMS आएगा जिस तरह पहले SMS आया था। और जो लोग का RTE में एडमिशन हो चुका है उनसे विनती है कि अपनी जो भी स्कूल आई है उस स्कूल पे आपने वेरिफिकेशन तो करा दिया होगा, उनसे एक स्लिप लेना है जिस पे लिखा होगा कि आपके बच्चे का इस स्कूल के अंदर एडमिशन फाइनल हो चुका है, वो स्लिप ले लेना है और अपने बच्चे का दाखिला कम्प्लीटली करा लेना है। अंत में इतना है कि RTE सेकंड राउंड में के अंदर भी आपके बच्चे वापस से सिलेक्ट हो जाए ऐसी हम दुआ करते हैं। आपको इस वीडियो के थ्रू सेकंड राउंड क्वालिफाई कैसे होना उस चीज़ में समझ आई होगी। बाकी का कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको दूँ। बाकी की लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद। हमारी चैनल समा एजु इन्फो को सब्सक्राइब करें।